अब लोग बोलेंगे क्रिएटिन से बाल नहीं झड़ते हैं, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बट मेरे झड़ते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बिफोर और आफ्टर वीडियोस दिखाता हूँ, आपको मैं मेरा सर भी दिखा दे देता हूँ, ये आप देख सकते हो सनलाइट में है ये। और उसके बाद हम इस डर्मा रोलर के बारे में बात करने वाले हैं, क्या ये सच्ची में काम करता है, क्या इसे सच्ची में बाल वापस आते हैं, तब कैसे यूज करना है, सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। सो सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज अ डर्मा रोलर? सो डर्मा रोलर ऐसे एक डिवाइस होता है, इसका जो हेड होता है यहाँ पर, इसके ऊपर नीडल्स होते हैं एंड दीज नीडल्स रेंज फ्रॉम 0.25 mm टू 1.5 mm। मेरे पास पर्सनली 0.5 mm का है ये। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया था, मैन मैटर्स का ऑफर चल रहा था एंड आई फाउंड दैट द प्रोडक्ट वॉज गुड, इसका फील और टेक्स्चर अच्छा है, आप कोई भी ब्रांड का ऑर्डर कर सकते हो। और इसे आपको, इस चीज को आपको अपने स्कैल्प पर यूज करना है। तो अगर आपको पता होगा DHT इज द मेन रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ अस लूज आवर हेयर एंड उसी रीजन की वजह से ब्लड नहीं पहुंच पाता है इस पार्ट पर, इसी पार्ट के बाल चले जाते हैं, यहां पर तो बाल होते हैं बट दिस एरिया वी लूज आवर हेयर। तो ये डर्मा रोलर एक्चुअली में काम कैसे करता है, इसके हेड पर जो नीडल्स होते हैं यहां पर, सो व्हेन वी रोल इट ऑन आवर हेड, ये नीडल्स हमारे सर पर पंचर्स क्रिएट करते हैं, होल्स क्रिएट करते हैं। साधारण एग्जांपल दे तो व्हेन यू आर प्लेइंग क्रिकेट और फुटबॉल, आप गिर जाते हो, आपके पैर में चोट लगती है, सो इन ऑर्डर टू हील दैट वुंड योर बॉडी सेंड्स न्यूट्रिशन एंड ब्लड स्पेसिफिकली टू दैट प्लेस सो दैट इट कैन हील इट फास्टर। तो उसी तरह यहां पर जो चोट लगी है, अ बॉडी सेंड्स न्यूट्रिशन टू दैट प्लेस सो दैट इट कैन हील दैट वुंड फास्टर। तो इसी के चक्कर में न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन हमारे सर पर पहुंच जाता है एंड अ हेयर फॉलिकल्स आर रीजनरेटेड एंड रीएक्टिवेटेड। रिसर्च में यह भी पाया गया था कि ये जो माइक्रो नीडलिंग टेक्निक है, इससे कोलेजन प्रोड्यूस होता है हमारे स्कैल्प पर एंड कोलेजन बेसिकली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द थिनिंग ऑफ द हेयर एंड इट प्रमोट्स हेयर ग्रोथ। तो जब आप डर्मा रोलर ऑर्डर करते हो, इस नीडल का साइज क्या होना चाहिए? एज पर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन, इस नीडल का साइज कैन बी बिटवीन 0.5 mm टू 1.5 mm। मेरे पास पर्सनली 0.5 mm का है एंड वंस आई एम डन यूजिंग दिस, आई यूज टू स्प्रे मिनोक्सिडिल और नियो हेयर ऑयल, आप कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों अच्छा है। एंड यहां पर थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है मिनोक्सिडिल, दैट्स द रीजन व्हाई मैं यहां पर लेता नहीं हूं। एंड उसके साथ आप ऑयल भी लगा सकते हो, आई यूज टू अप्लाई कैस्टर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, बट उसका स्मेल इतना अच्छा नहीं होता है कैस्टर ऑयल का, सो इसलिए मुझे मामा, एक बार मैंने मामा अर्थ यूज करके देखा था विच हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड इट बिकम्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, सो दैट्स द रीजन व्हाई मैं मामा अर्थ यूज करता हूं एंड उसका फ्रेग्रेंस भी काफी अच्छा है। सो इट्स अ रेकमेंडेड प्रोडक्ट, आप वो ट्राई कर सकते हो एक बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे डर्मा रोलर यूज करने आता ही नहीं था पहले, आई यूज टू यूज इट इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस विच इज नॉट द प्रॉपर वे। मैंने दूसरे वीडियोस देखे, आई डिड सम रिसर्च ऑन द इंटरनेट ऑल्सो एंड आई फाउंड दैट आपको डर्मा रोलर एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, मूव इट ओनली इन द फ्रंट डायरेक्शन, थोड़ा प्रेशर लगाइए एंड डोंट स्क्रब इट ऑन योर हेड, डोंट मूव इट इन एक्स वाई जेड, मतलब किसी भी डायरेक्शन में इसे यूज मत कीजिए, उससे क्या होगा आपके हेयर एंटैंगल हो जाएंगे इस पिंस के अंदर और वो डैमेज हो जाएंगे एंड दे विल बी पुल्ड आउट फ्रॉम द स्कैल्प, वो हम नहीं चाहते हैं, आवर स्कैल्प इज वेरी सेंसिटिव। सो मेक श्योर आप इसे एक ही डायरेक्शन में यूज कीजिए एंड व्हाइल यू आर यूजिंग दिस मेक श्योर योर स्कैल्प इज क्लीन, आप स्नान कीजिए, हैव बाथ, क्लीन योर हेड एंड ड्राई योर हेड, आपका हेड सूखा होना चाहिए, गीले बालों पर इसे यूज मत कीजिए। वंस यू आर डन डूइंग दैट, अच्छे से आपने डर्मा रोलर यूज किया है, यू कैन ऐड मिनोक्सिडिल, नियो ऑयल, कैस्टर ऑयल और मामा अर्थ ऑयल। तो क्या डर्मा रोलर से बाल वापस आते हैं, हेडलाइन वापस आता है? अगर आप मेरा केस देखो, पहले मेरे बाल बहुत गए थे, इनफैक्ट आई यूज टू बी बॉल्ड, रोज मैं शेव करता था एंड आई वॉज लाइक अब तो मुझे बाल चाहिए ही नहीं, बट देन लेटर मैंने थोड़े थोड़े ग्रो किए, मेरे भाई ने मुझे बताया कि डोंट शेव योर हेड, गिव इट सम टाइम, लेट इट ग्रो एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग दीज टेक्निक्स, बीटरूट आमला कैरेट जूस, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है क्या फूड्स आपको खाने चाहिए, हेड स्टैंड करने लगा मैं एंड देन आई सॉ दैट भाई थोड़े बाल आ रहे हैं एंड बाल किसे अच्छे नहीं लगते हैं, बाल लाइक एवरीवन लाइक्स हेयर एंड वो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है, पीपल कैन ऑल्सो कैरी देम सेल्फ कॉन्फिडेंटली वेन दे आर बॉल्ड, वो कंसर्न नहीं है, बट अगर आप बाल बचा सकते हो सो वाई नॉट। सो इनिशियली वेन आई हैड परचेज दिस डर्मा रोलर, आई यूज टू यूज इट एवरी डे, इनफैक्ट इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग, क्योंकि मैंने मेरे एक दोस्त को देखा था, ही वॉज यूजिंग इट, तो मुझे लगा रोज ही इसे यूज करना चाहिए, बट दैट इज नॉट द प्रॉपर वे। रिसर्च के बाद मुझे पता चला, वीडियोज देखे मैंने थोड़े, अगर आप गिरते हो, कहां पर गिरते हो छोड़ो, अगर आप जिम जाते हो, आप चेस्ट रोज तो चेस्ट ट्रेन नहीं करते ना, बिकॉज उसको थोड़ा टाइम लगेगा रीग्रो होने के लिए, तो उसी तरह आपके स्कैल्प को टाइम लगता है हील होने के लिए। सो यू कैन यूज दिस 3 to 4 times एंड इवन डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं रोज मत यूज कीजिए, 3 to 4 times हफ्ते में आप यूज कर सकते हो इसे। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों को लगता है क्या डर्मा रोलर यूज करने से 1 हफ्ते में मेरे बाल आएंगे, 2 हफ्ते में बाल आएंगे, हाउ लॉन्ग डज
इट टेक टू रीगेन दैट हेयर. तो ये एक लाइफस्टाइल है, जस्ट लाइक फिटनेस. आप एक दिन करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हाँ भाई या एक महीने में मेरी बॉडी आ जाएगी. इट टेक्स टाइम, राइट? 2 years, 3 years, even 10 to 15 years. तो एक वो लाइफस्टाइल बन जाता है. उसी तरह इसे एज ए लाइफस्टाइल आपके डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो, एंड ये आपकी मदद ही करने वाला है. एंड द ओनली रीजन व्हाई यू हैड लॉस्ट योर हेयर इज बिकॉज वहां पर ब्लड फ्लो नहीं था. अगर इसे 1 मिनट आपके सर पर यूज करने से बाल आ सकते हैं, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपको इसे स्टॉप नहीं करना चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील. एंड 8 to 12 weeks लगते हैं आपके हेयर रीग्रो होने में, बट अगर इससे अच्छे रिजल्ट्स आते रहे, आई वुड नॉट स्टॉप यूजिंग दिस. मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा गाइस, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं मेरे चैनल पर, आप अभी भी जाकर देख सकते हो. मेरे बाल वहां पर जड़े थे. इनिशियली मैंने एक वीडियो डाला था वेर आई हैड रीगेन्ड माई हेयर बिकॉज ऑफ बीटरूट आमला कैरेट जूस. उसके बाद वापस झड़ने लग गए. आई वॉज टेकिंग क्रिएटिन एंड स्टफ. अब लोग बोलेंगे क्रिएटिन से बाल नहीं झड़ते हैं, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस, बट मेरे झड़ते हैं. उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप वो चेक कर सकते हो. बट आफ्टर यूजिंग दीज टेक्निक्स, हेड स्टैंड, बीटरूट आमला कैरेट जूस, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे बाल वापस आ रहे हैं, which is beneficial for me. अगर बाल वापस आ रहे हैं तो अच्छा है. If you can regain your hair, then there's nothing wrong in it. आपको creatine stop करना है, आप stop कर सकते हो, लेकिन बाल अच्छे आने चाहिए. Food पर भी मैंने एक video बनाया, make sure you check that video out. इस video को यहीं पर समाप्त करते हैं. कुछ questions रहेंगे तो let me know in the comment section. I'll meet you guys in the next video.